इसका भी सर्दी खांसी कुछ है का? हाँ, अकेले जाओगी? अकेले जाना है, लेकिन बॉडी पेन की वजह से करने का मन नहीं हो रहा है। पति परमेश्वराय नमः। ब्लॉग्स में कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यहाँ भी सब कुछ अच्छा है। तो आज है डे मंडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो हमारा ब्लॉग आज का यहीं से स्टार्ट होता है और हस्बैंड चले गए हैं अपने ऑफिस, इसे भी चली गई है स्कूल और मैं जो भी काम था आज पहले फिनिश हो गया क्योंकि हस्बैंड को जाना था 7:30 बजे। आज क्या मतलब अकेले ही 7:30 बजे जाना है, सो वो चले गए हैं और 7:30 बजे का पूछे ही नहीं और इतना जल्दी 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 करना पड़ता है। लेकिन मेरा सारा काम हो गया, थोड़ा बहुत जो बचा वो तो होता ही रहेगा। और मैं क्या थोड़ा सा बने थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। उससे पहले जाते हैं, पहले मतलब से पहले चाय बना कर पी लेते हैं क्योंकि चाय पी लेंगे तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि ऐसे भी मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा है, तो बॉडी पेन हो रहा है तो चलिए चाय बना करके पी करके देखते हैं, अगर उससे ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो मेडिसिन लेंगे। और बाबू का आज तबियत तो थोड़ा बहुत ठीक है, उसको मेडिसिन दे रहे हैं, उसका कंटिन्यू ही है मेडिसिन। तो चलिए ब्लॉग को आगे लेकर चलते हैं, आप लोग बने रहिए ब्लॉग को, इंजॉय कीजिए आज का ब्लॉग। तो मैं चाय पी ली बना करके और बाबू को भी बस जो खाना था ये खा लिया और अभी बोल रहा है कि नाश्ता नहीं करेंगे, इसको मन नहीं है तो अभी नाश्ता नहीं कराते हैं। और आज इन लोग के साथ रहते रहते ऐसा लग रहा है जैसे गले में भी दर्द हो रहा है, पूरे बॉडी पेन हो रहा है। एक मिनट बेटा, दे रहे हैं, पूरा बॉडी पेन भी हो रहा है तो जा रहे हैं सूत्र की मेडिसिन ले लेते हैं क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर कौन काम करेगा? मेरा जो इशू को स्कूल भी लाना है और भी जो सारा काम है वो मेरा कौन करेगा? तो पहले जाते हैं मेडिसिन ले करके, थोड़ा देर का रेस्ट लेंगे क्योंकि अगर रेस्ट लेंगे तभी मेडिसिन का कोई असर होगा। और यहाँ बाबू भी बैठा हुआ है, बाबू को भी मेडिसिन देना है ना, बाबू को भी मेडिसिन। उसका है कुछ सर्दी खांसी बेटा? इसका भी सर्दी खांसी कुछ है का? इसका सर्दी खांसी कुछ है? आराम कुछ क्या मतलब, बहुत ही आराम है, ठीक है। अभी एक दो दिन और दवाई देंगे वो ठीक हो जाएगा। तो इसको भी दवाई दे देते हैं, मैं भी दवाई खा कर थोड़ा देर रेस्ट लूँगी, उसके बाद आप लोग से बात करूँगी, ठीक है। तो बने रहिएगा लोगों क्योंकि मैं मतलब जा रहे खा लेते हैं, अभी से ही पूरा बॉडी पेन हो रहा है तो सोचे कि खा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा फिर कौन है करने वाला। बाबू को भी तो देखना है कि नहीं। और मैं कल ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि कल शाम से मेरी तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी, लेकिन मैं ब्लॉग सुबह से नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था। संडे रहता है तो हस्बैंड भी घर पर रहते हैं, बच्चे लोग भी घर पर रहते हैं, थोड़ा टाइम का कमी पड़ जाता है तो इसलिए कल नहीं बनाई थी मैं। अदा की मिलते हैं थोड़ी देर में, तब आप लोग वेट कीजिएगा। सो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 2:30 और मैं तो बहुत लेट से सोई थी, ये सोने नहीं दिया था तो, और इससे पहले उठ गई थी, ये उठा दिया फिर नींद खुल गया तो मैं नहीं सोई थी। ये उठे हैं, 2 बजने वाले थे, 10-15 मिनट कम थे, तो फिर इनको मैं खाना खिलाई क्योंकि ये खा करके नहीं सोए थे, इसलिए मैं इनको पहले खाना खिलाई हूँ ना बेटा। फिर खाना खिला करके तब मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। और आज तो इसी को 3:30 बजे नहीं लाना है, उसको 4 बजे लाना है क्योंकि उसका आज जो है सो योगा क्लास है, तो योगा क्लास करना है उसको आधे घंटे के लिए, तो इसी बात नहीं आएगी इतना जल्दी। बाबू को खाना खिला दिए हैं, इनका थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, ज़्यादा नहीं है, उतना नहीं है, हल्का फुल्का है, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा मतलब वो नहीं है। और मेरा तो अभी दवाई खा करके बहुत देर नहीं सोई थी, फिर सोचो उतना ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि पूरे बॉडी पर हो ही रहा है। और इससे इशू आती है स्कूल से, अभी तो कोई काम नहीं है, काम है लेकिन बॉडी पेन की वजह से करने का मन नहीं हो रहा है। नहीं तो देखते हैं बर्तन वगैरह धोने हैं क्योंकि जो बना कि मैं कराही है
और बुद्ध साहब अपन ऐसे ही हैं, जो कि सिंह में बड़ा हुआ जा करके पहले उसको धोएंगे, अगर तबीयत थोड़ा ठीक होता है तो, क्योंकि खराब ही होने का मन नहीं करता। जैसे बॉडी पेन होता है तो सबसे ज़्यादा पैर में पेन होने लगता है, उसके लिए देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है, बने रहिएगा, बाय बाय। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:45 और ईशु को लेकर के मैं आ गई थी, ये आज मैं लेट से गई थी, 4:10 में लाने गई थी, क्योंकि मुझे आपको बताई कि कुछ करने का इच्छा नहीं कर रहा है, तो मैं 4:10 कम था तो मैं गई थी बर्तन धोने, फिर बर्तन धो करके आई, फिर रेडी होकर के मैं गई हूँ उसको स्कूल से लाने, तो थोड़ा आज लेट हो गया था, फिर लेकर के आई हूँ और उसको खाना वगैरह खिला करके आई हूँ अभी। और अभी बस ईशु रेडी हो रही है, वो जाएगी अभी ट्यूशन, उसको जाना है तो ट्यूशन के लिए रेडी हो रही है, और बस ट्यूशन से उसको पहुंचा करके आना है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ ईशु जा रही है ट्यूशन पढ़ने, इसका टाइम हो गया, 5 बज गया है, और यहाँ बाबू चप्पल, ऐ रुको हम भी तो चलेंगे ना साथ में, अकेले जाओगी, अकेले जाना है, नहीं ना, तब आ रहे हैं। और यहाँ बाबू अपना चप्पल का यहाँ पे लगा रहा है कि हमको ये पहनना है, आज ये पहन के जाएगा, सो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, इसको छोड़ करके आते हैं। और यहाँ ट्यूशन से छोड़ने के बाद इस बाबू आ गया था, लेकर के आ गया था कि चलो खेलना है, क्योंकि वो बोर हो गया था घर में बैठे बैठे, तो इसका तबीयत भी ख़राब था इसलिए वो बोर हो गया था, कुछ दिन से नहीं निकल रहा था खेलने के लिए, तो वही बोला कि चलो खेलने के लिए, वही मैं लेकर के आ गई थी रोड पे खिलाने के लिए, यहाँ पे गाड़ी नहीं आता जाता है उतना, इसलिए वो खेल रहा है मज़े में अपना। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और बाबू को कुछ देर खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम पे, तो यहाँ पे बाबू अभी आ गया है और बहुत ही मस्ती किया है, मेरे ख्याल से 1 घंटा ये मस्ती किया है और उसके बाद आया है, इसको अभी भी आने का मन नहीं था, क्योंकि बच्चे लोग जब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं कि कितना मतलब खेल ले, वही ये भी सोच रहे थे, तो अभी आ गए हैं। और ये देखिए इनका बाबू खेला ना, कितना खेला खेला ऐसे ऐसे करके, तो गए ये खेल करके आ गए हैं, हुआ ना खेला, हुआ खेला था ना, उतना तो खेल रहा था, तो ये खेल करके अभी आ गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं हम लोग हस्बैंड के आने का, हस्बैंड आते हैं फिर उनको चाय वगैरह देंगे और बस अभी कोई काम नहीं इसलिए बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, सारा काम कंप्लीट है, बस बैठना ही है, फिर से रेस्ट, क्योंकि उसको खिला रहे थे वहाँ पे, उधर दूसरे गली में लेकर के गए थे, वहाँ गाड़ी का थोड़ा कम आना जाना रहता है, इसके लिए वहाँ पर लेकर के वो थोड़ा बहुत खेल लेता है, सब कोई अकेले नहीं खेलना चाहता, इसके लिए मैं छत पे नहीं लेके गई थी, ये बोला कि उधर चल के खेलने के लिए, तो मैं लेकर के गई, हाँ पकड़ खींच करके लेकर जा रहा था, मैं सोची चलो बहुत दिन हो गया सो खेले में, इसको खिला देते, थोड़ा सा बच्चे लोग को भी ये मन है जो एक ही जगह रह के वो हो जाता है ना, इसके लिए सो बने रहिए आप ब्लॉग में, हमेशा ये बाय बाय करेगा, ये जितना क्लिप शूट होगा सारे में बाय बाय बोलता है, लेकिन अभी बाय बाय का समय है नहीं। फिर उसके बाद मेरा आ गया था पार्सल जो कि नीचे आया था, तो मैं गई थी लेने और लेकर के आ रही थी, बाबू भी साथ में गया था, और ये मैं मंगवाई थी, आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर कि क्या है पार्सल में, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये है हमारा चाय और इसके साथ नमकीन, और यहाँ आ गए हैं मैं पति परमेश्वराय नमः, हे पति को परमेश्वर कौन बनाया जी, जैसे जैसे औरत को माता बनाया गया पति को परमेश्वर वाला, तो कोई पति के काम में नहीं रहता है, सब रहता है भगवान के दर्जा दिया गया है,
भगवान नहीं रहता है कोई पर ये चाय पी रहे हैं, चाय के चटक्का। परमेश्वर क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं? अब तो भला ही उसे हस्बैंड का बाल बच्चा के लिए किसको सब करते हैं, इसके लिए बोला था पति परमेश्वर आए नमः, पति परमेश्वर आए नमः। खा रही है इसे। मुंह दिखा, मुंह दिखा तो अपना, मुंह दिखा तो। वो भी नमकीन में लेकर के खा रही है और हम लोग चाय पी रहे हैं बस। अब उसके बाद जाएंगे खाना बनाने और बस इस ब्लॉग को यही कर देते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सब तक लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, के दोस्तों में रहिए, मस्त रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।